नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रांगण में है। जेपी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सर हैं। शंकर सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछेंगे। सर, जो अभी नई पीढ़ी है, इसमें साहित्य के प्रति और खासकर हिंदी साहित्य के प्रति इतनी अरुचि क्यों बढ़ती जा रही है? मतलब हिंदी साहित्य के ज्ञान के प्रति प्रखरता नहीं आ रही, ऐसा क्यों? आपको आपका ध्यान मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस वक्तव्य की ओर ले जाना चाहूँगा, जिसमें वे कहते हैं कि ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता जाएगा, कवि कर्म कठिन होता जाएगा, लेकिन कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी। आचार्य शुक्ल का यह विचार और इसी विचार की तरह का एक चिंतन पश्चिम के एक विचारक थियोडोर वाट्स डंटन ने किया। उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे मनुष्य भौतिक दृष्टि से समृद्ध होता जाएगा, कविता या साहित्य या कला का स्थान वो लेगा, ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। यह पूरे सिर्फ हिंदी जगत में यह नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े साहित्यकार अब नहीं हैं। अब कोई आपको T.S. इलियट नहीं मिलेगा, कोई जॉर्ज इलियट नहीं मिलेगी, कोई लुकॉच नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया भर में, क्योंकि मनुष्य का की जो दुनिया है वो भौतिक वस्तुओं से भर चुकी है, उसी भौतिक वस्तुओं से भरने के कारण साहित्य जो कि थोड़ी आपकी संवेदनशीलता को कम कर, मैंने संवेदनशील चीज़ है। आप देखेंगे कई बार जो समाज बहुत पिछड़ा रहा है, जैसे कालिदास उसी युग में पैदा हो सकते थे जबकि समाज के पास बहुत बुनियादी ज़रूरतें नहीं रही होंगी, जंगलों में लोग रहे होंगे, या फिर इलियड और ओडिसी रची गई, तो कई बार हमें हैरान भी कर देती है ये बात कि इतने प्राचीन काल में इतने उत्कृष्ट साहित्य लिखे गए और आज जब कि समाज बहुत आगे बढ़ गया है, साक्षरता बढ़ गई है, तो इसके बावजूद अच्छे साहित्य अस्तित्व में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसके पीछे हमें इन्हीं दो विचारकों द्वारा किया गया जो सभ्यता विमर्श है, उसी सभ्यता विमर्श के आईने में देखना होगा। सर, आज राहुल संकेत्यान जी का जन्म दिवस है। सर, आप एक लंबे समय से छपरा में हैं, आप मूलतः रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन सर आप राहुल संकेत्यान जी की कर्मस्थली ये रही है, और सर उन्होंने भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने में या भोजपुरी बोली को आगे बढ़ाने में उन्होंने यहाँ से काम किया है। लेकिन सर, हिंदी की जो अन्य विधा है, यात्रा वृत्तांत है, जो है ये अन्य विधाओं को बढ़ाने में राहुल जी का बड़ा योगदान है। सर, इस पर थोड़ा प्रकाश दें। राहुल जी से मेरा जीवन जुड़ा हुआ बहुत गहरे, क्योंकि उनके जीवनानुभव और मेरे जीवनानुभव कहीं न कहीं इतने तो समानांतर हैं ही कि मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और कर्मभूमि बिहार है। उनकी भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और कर्मभूमि जीवन का एक बड़ा हिस्सा, हालांकि वो एक जगह के हो करके कभी नहीं रहे। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक जगह के होकर कभी नहीं रहे, तो जैसे एक मंत्र है ना, चरैवेति, चलना ही जिंदगी है, तो आप देखेंगे कि वो उनका, चाहे वो यात्रा, मैं सिर्फ भौतिक यात्राओं की बात नहीं करता हूँ, भौतिक यात्राएं तो बहुत बात लोग करते हैं, एक सबसे गहरी यात्रा होती है वैचारिक यात्रा। आप देखें, आजमगढ़ से आया हुआ एक यज्ञोपवीत धारण करने वाला वटुक, उसको इस लिए लाया गया था परसागढ़ मंदिर में कि मंदिर को ब्राह्मण पुजारी की ज़रूरत है, लेकिन वह जिस परंपरा में पोषित करने के लिए लाया गया था, उसी परंपरा से वो क्रमशः विद्रोह करते करते अपने आप को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते हैं। और यह बात मेरे हिसाब से बहुत छोटी बात नहीं है, खासकर जब आप एक ऐसे समय में जी रहे हों जहां धार्मिक
या जातीय अस्मिताओं को लेकर के पूरी दुनिया में खूनी संघर्ष जारी रहता हो। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया भर में, भारत में नहीं, हर जगह धर्म एक ऐसी बुनियादी अस्मिता है जिसको लेकर के लोग गर्दनें काट दे रहे हैं। तो ऐसे समय में कोई अपनी पारंपरिक जमीन को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना रहा है, और बौद्ध धर्म ही क्या, जहाँ भी जा रहा है उसी की बोली बानी भाषा में रम जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक जो यात्रा है, जिसको उर्दू साहित्य में जो, जैसे आवारगी तो हम लोग भोजपुरी वगैरह में थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उर्दू वालों के यहाँ ये आवारगी रचनात्मक होती है। तो एक उसी किस्म की आवारगी उनके पास विद्यमान थी, और वो जहाँ जाते थे भाषाएं सीखते थे, उनकी संस्कृति सीखते थे, और उनका जीवन ही हम सब के लिए एक किताब है। उनका जीवन एक संदेश है कि कैसे अगर आप स्थिर हैं तो स्थिरता घातक है, स्थिरता रूढ़ी है। उससे वो जीवन भर मुक्त होने की कोशिश किए और उसमें वो बहुत सफल हुए। आज इसी बात की ज़रूरत है कि हम सिर्फ अपनी भौतिक यात्राएं ही नहीं, बल्कि जो तमाम विचारधाराएं हैं, वैचारिक सरणियां हैं, उनका अवगाहन करें, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उसका वर्णन करें, और उसको लेकर के बहुत आत्यंतिक रुख ना अपनाएं। मैं आपका ध्यान एक प्रसंग की ओर ले जाना चाहता हूं, चूँकि वो प्रसिद्ध हैं कि मार्क्सवादी साहित्यकार हैं वो, लेकिन जब वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उन्होंने ये लिखा, बताया कि जो यहाँ मुसलमान रह गए हैं, चूँकि बंटवारा एक इस्लामी संस्कृति को लेकर के था, कि उनको इस्लामी संस्कृति के हिसाब से पाकिस्तान चाहिए था। अब ये हुआ कि जो भारतीय जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं वो भारतीय बोली बानी में सीखें, उर्दू की जिद के बजाय हिंदी को अपनावें। उन्होंने इसका प्रस्ताव पार्टी में रखा, पार्टी को पसंद नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो इस तरह के थे राहुल सांकृत्यायन कि जहाँ उनका मन नहीं रमता था वहाँ रहते नहीं थे, अपने विचार धारा अपने चिंतन में वो पूरी तरह से बेबाक थे, बहुत स्पष्ट थे, बहुत ही दृढ़ थे। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे, आप बहुत दिनों से यहाँ अध्ययन अध्यापन में हैं, सर आप ये बताइए कि जो हिंदी साहित्य के प्रति जो नई पीढ़ी की लगाव, या हिंदी साहित्य से जो समाज में एक संदेश जाए, सर इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और किन किन स्तरों पर किए जा सकते हैं? एक तो सायास मतलब कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन कई बार एक होता है जैसे युग चेतना जिस तरह की बन रही होती है उसी के अनुरूप अगर चीज़ें चलती हैं तो फिर बन पाती हैं। जैसे आज की दुनिया एक आभासी दुनिया है, इस आभासी दुनिया में साहित्य उस तरह से उपस्थित नहीं हो पा रहा है, या अगर है तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ कविताएं लिख रहे हैं, कुछ कहानियां भी हैं, कुछ उपन्यास भी होंगे आवासीय दुनिया के, लेकिन अभी चूँकि इतनी बहुलता है उसकी कि उस बहुलता के संदर्भ में और एक अस्पष्टता है, एक थोड़ा सा वो गालिब का शेर है ना कि चलता हूँ थोड़ी देर बहुत तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। जब दुनिया बदल रही होती है तो उस बदलती हुई दुनिया का कोई साफ चेहरा दिखता नहीं है, हो सकता है 2-4-10 सालों में। ये तो सही बात है कि लिखने की दुनिया, पढ़ने की दुनिया वो सब चली गई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, क्षरण नहीं कहेंगे इसको, दुनिया कभी क्षरित नहीं होती है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के इस वक्तव्य में मेरा पूरा विश्वास है कि मनुष्यता की जय यात्रा जारी रहती है। अब वो जय यात्रा मतलब कागज़ कलम के माध्यम से हो रही है, या आप जैसे जो आभासी दुनिया के पत्रकार हैं उनके माध्यम से हो रही है। दुनिया तो बदलती है और दुनिया अपनी शक्ल लेती है।
सर, विश्वविद्यालय स्तर पर क्या बदलाव किए जा सकते हैं? विश्वविद्यालय स्तर पर तो बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है पाठ्यक्रमों के निर्माण की, वो इन दिनों वो स्वायत्तता नहीं रही। जैसे हम चाह के भी राहुल जी छपरा के रहे हैं तो बहुत राहुल जी के बारे में जोड़ नहीं सकते हैं, या कोई यहाँ का स्थानीय पत्रकार या स्थानीय साहित्यकार। देखिए, दुनिया में तो पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ एक तरह से डिक्टेट करने की प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति व्याप्त हो रही है। तो पाठ्यक्रम कुछ लोग बैठ के बना देंगे और उसका अनुपालन करना कई विश्वविद्यालयों की मजबूरी होती है और उसका अनुपालन करते हैं, तो उसी के शिकार हम सारे लोग हैं। तो हमें लगता है कि इसका लोकतंत्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। तमाम ऐसी आवाज़ें, तमाम ऐसी पहचानें जो दर्ज नहीं हैं, उनको भी जानने पहचाने की ज़रूरत है। और बाकी और सारी चीज़ें तो पद्धतिगत हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, सही लोगों को तमाम पढ़ने प्रवेश की अनुमति हो, और सब ये सारी चीज़ें बुनियादी बातें हैं, वो सब भी होनी ज़रूरी हैं। देखा आपने कि सिद्धार्थ सर ने कितने स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा, और धूमिल के वो पंक्तियाँ याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से यारो एक पत्थर तो उछालो, एक पत्थर तो उछालो, जरूर सूरत बदलेगी। साहित्य हमारा समाज का अंग है और वो जरूर अंग जो है वो अभिन्न अंग होकर रहेगा। सिद्धार्थ सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत पांडे जी।